الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا बुजुर्गान मोहतरम बिरादरान इस्लाम और पर्दे में बैठकर सुनने वाली इस्लामी माएँ बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम एहसान शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने दीन की कुछ बातें सुनने सुनाने की गर्ज से जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक दस्तूर है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बसाया, इसका एक निज़ाम चलाया और जो कुछ अल्लाह ताला के निज़ाम है, अल्लाह ताला के जितने इंतज़ामात हैं उन इंतज़ामात में से एक इंतज़ाम है इंसान का एक वक्त मुकर्ररा पर जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है दुनिया में आना। और फिर अल्लाह ने एक वक्त मुतय्यन किया है हर एक के लिए और वो वक्त है जाने का वक्त जिसमें जर्रा बराबर ताखीर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने जितने फैसले फरमाए हैं वो वक्त पर होकर ही रहते हैं और उसमें जर्रा बराबर आगे पीछे नहीं हो सकता। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर इस दुनिया में किसी को दवाम हासिल हो सकता कि कोई जात हमेशा यहाँ रहती, दुनिया में रहती, जिसकी जरूरत थी कि हर वक्त दुनिया में रहे, तो वो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। अगर ये मुमकिन होता कि कोई हमेशा रहे तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हमेशा रहते, लेकिन वो हजारों नहीं, हजारों से बढ़कर, लाखों से बढ़कर आशिकों की जमात को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने रब हकीकी से जा मिले और इस दुनिया को छोड़ दिया। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जिसके जिनके इस दुनिया से जाने पर सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने ये कहा करते थे कि खबरदार किसी ने अगर ये जुमला कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने तशरीफ लाए और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने वो बेहतरीन खिताब इस उम्मत के सामने पेश किया कि जिसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला को यह तस्लीम करना पड़ा कि हाँ, अब हुजूर हमारे दरमियान नहीं रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए और आपसे पहले और आपके बाद हर किसी को दुनिया छोड़कर जाता जाना है। कुरान करीम ने ये फैसला कर दिया है इदा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। दुनिया में जब किसी की मौत की घड़ी आन पड़ती है तो एक लम्हा आगे भी नहीं हो सकता और एक लम्हा पीछे भी नहीं हो सकता। और मलकुल मौत को जो अल्लाह ताला ने इख्तियारात अता फरमाए हैं वो इतने नपे तुले और इतने मुतय्यना वक्त के साथ कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन किसी की इंतकाल के वक्त आ जाए और मलकुल मौत के रूह को कब्ज करने में गलती वाके हो, ये हो ही नहीं सकता, ये कतान नहीं। मलकुल मौत मुतय्यन है और इतनी बड़ी दुनिया में शर्क व गर्ब और शमाल जनूब में, इतनी बड़ी दुनिया में जहां इतने लोग आबाद हैं, मलकुल मौत वक्त पर रूह कब्ज कर लेता है। एक मर्तबा मलकुल मौत ने अख्तार शानहू के सामने यानी अल्लाह ताला के सामने ये कहा था कि अल्लाह
बड़ी अजीब जिम्मेदारी आपने मुझे दे रखी है और वो है लोगों की रूह के निकालने की जिम्मेदारी। अल्लाह, लोग मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, बहुत लान तान करेंगे, मेरे बारे में बुरा भला बोलेंगे, गालियां देंगे कि मलकुल मौत कैसा है जिसने हमारे फुला रिश्तेदार की रूह को कब्ज कर लिया, हमसे फुला को छीन लिया, फुला को छीन लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया मलकुल मौत, मैं ऐसे असबाब मुतय्यन करूंगा कि मौत के वक्त लोग तुझे गालियां देने की बात तो दरकिनार, तुझे याद भी नहीं करेंगे कि मलकुल मौत ने रूह कब्ज कर ली। मैं बीमारियां मुसल्लत कर दूंगा, मैं असबाब मुसल्लत कर दूंगा, इंतकाल होने वाले के बारे में लोग ये कहेंगे कि बुखार आया, इंतकाल हो गया, कोरोना हो गया था और इंतकाल हो गया, सर में दर्द हो रहा था और इंतकाल हो गया, फला हादसा हो गया और इंतकाल हो गया। लोग हादसात को याद करेंगे, ए मलकुल मौत लोग तुझे नहीं याद करेंगे कि तूने रूह कब्ज की और इंतकाल हो गया। बहरहाल ये एक जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को दी, और इतनी बड़ी दुनिया में अरबाब तफसीर ने और अरबाब तहकीक ने ये बात देखी है कि इतनी बड़ी दुनिया में एक ही वक्त में अफ्रीका में भी एक आदमी का इंतकाल हो रहा है, अमेरिका में भी और फिजी में भी और लंदन में भी और फला एक एक वक्त में कितने हजारों लोगों का इंतकाल होता है। मलकुल मौत बैक वक्त उन सब की रूह कैसे कब्ज करते हैं, तो उसकी मिसाल अरबाब तफसीर ने यह जिक्र है कि एक बहुत बड़े हाथ वाले आदमी के सामने, बड़े जिस्म वाले आदमी के सामने एक प्लेट रखी हो जिसमें कुछ दाने रखे हुए हो, तो उसको इख्तियार होता है कि वो एक ही वक्त में जितने चाहे दाने अपने हाथ में ले ले। सारी दुनिया मलकुल मौत के सामने एक प्लेट की तरह है, वो इतना बड़ा फरिश्ता है कि उसके सामने ये सारी दुनिया एक प्लेट की तरह है, जिसका जब वक्त होता है वो उसको उठा लेता है, उछक लेता है और उसका इंतकाल हो जाता है। बहरहाल मेरे भाइयों, दुनिया से हर रोज ये खबरें आ रही है, फुलां का इंतकाल हो गया, फुलां का इंतकाल हो गया, फुलां का इंतकाल। ये जो इंतकाल की खबरें आती है और ये जो जनाजे तैयार किए जाते हैं, ये जो मैयत को नहलाया जाता है, ये जो कफन पहनाया जाता है, वो सब का सब हमें ये आवाज देता हुआ जाता है। जनाजा हमें आवाज देता है अगर कि हम उसको सुनते नहीं है, मुर्दा हमें आवाज देता है अगर कि हम उसको सुनते नहीं है, कफन दफन हमें आवाज देता है अगर कि हम सुनते नहीं, और वो आवाज ये है कि आज मैं जा रहा हूं ये लोगों, कल तुम्हें हमारे पीछे आना। हर एक को दुनिया से जाना, दुनिया में इनकार करने वालों ने अल्लाह का इनकार कर दिया है कि अल्लाह मौजूद नहीं है, इनकार करने वालों ने इनकार किया। दुनिया में इनकार करने वालों ने नबियों का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने कुरान की हक्कानियत का इनकार कर दिया। अभी मसला चला कुरान करीम की 26 आयात के बारे में, आज भी जुमा में मैंने ये बात जिक्र की थी, 26 आयात को जो लोग निकालने की, जो लोग नहीं एक ही आदमी निकालने की बात कर रहा है, और वो अजीब मसला मुझे अल्लाह ताला ने ये बात जहन में डाली कि आज तक इख्तिलाफात तो बहुत हुए दुनिया में, दुनिया में लोग अल्लाह के खिलाफ बोले, नबी के खिलाफ बोले और औलिया के खिलाफ बोले, लेकिन इस बोलने के पीछे इतना रद्द अमल कभी दुनिया में आया हो ये नहीं देखा गया कि जितना रद्द अमल कुरान के मुखालिफ होने वाले पर पेश आया, ऐसा रद्द अमल पेश आया कि दुनिया में बहुत सी मुखालफत करने वालों को बहुत सोने छोड़ दिया, लेकिन कुरान की मुखालफत करने वाले को तो उसकी मां तक ने छोड़ दिया कि तू मेरा बेटा नहीं, मैं तुझे अपना बेटा मानने के लिए तैयार है। उसके भाई बहनों ने छोड़ दिया और उसके बीवी बच्चों ने छोड़ दिया, जिसका मतलब यह निकला कि तू अगर कुरान का नहीं तो हमें तेरी जरूरत नहीं। बहरहाल कुरान अपने अंदर एक मौजिजा रखता है और ये जिंदा और जावेद किताब है, दुनिया खत्म हो जाएगी, कुरान खत्म नहीं होने वाला। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि कुरान बरकत की चीज है, इसे हमें रोजाना सुबह शाम रात दिन तिलावत करना चाहिए, इससे घर में बरकत पैदा होगी। और मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं कि कोई बुजुर्ग हमें रुमाल दे तो हम उसको अपने पास हिफाजत से रखते हैं कि फुला बुजुर्ग ने ये कपड़ा मुझे दिया था, इज्जत के साथ रखते हैं, एहतराम के साथ रखते हैं, बरकत के लिए रखते हैं। कोई अगर 50 या 100 रुपए का नोट दे दे कोई बुजुर्ग, तो उसको हम एहतराम से रखते हैं कि भाई इसके जरिए से बरकत होगी। तो किसी बुजुर्ग का हाथ अगर किसी पैसे से लग गया, हम ये सोचते हैं इससे बरकत हासिल होगी। किसी रुमाल से किसी बुजुर्ग का हाथ लग गया, हम ये सोचते हैं कि इससे बरकत हासिल होगी।
तो सबसे ज्यादा बरकत अगर किसी चीज से हो सकती है तो वो कुरान से हो सकती है, जिसके बारे में कहा गया तबर्रक बिल कुरान, कुरान से बरकत हासिल करो। फइन्नहु कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम, वह खारज मिन्हु, और कुरान अल्लाह की जात से निकली हुई चीज है, अल्लाह ने इसको तिलावत किया, अल्लाह की जात से निकली हुई चीज। इस तरह अल्लाह हमेशा हमेश के लिए है और हमेशा बाकी रहने वाली जात, अल्लाह का कलाम भी हमेशा रहने वाला है और अल्लाह जैसे फना नहीं होने वाले हैं, कुरान भी कभी फना नहीं होने वाला है। अगर दुनिया मिलकर, दुनिया के सारे लोग मिलकर कुरान के सफहात को जलाकर खाकस्तर कर दे, तब भी कुरान खत्म नहीं होगा, इसलिए कि करोड़ों की तादाद में वो सीने मौजूद है जिन सीनों में अल्लाह का कुरान बसा हुआ है। बहरहाल ये अल्लाह ताला का जिंदा व जावेद एक उतरा हुआ कलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा हुआ ये मौजिजा जो आज हमारे दरमियान मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये कह रहा था कि मुखालफत करने वालों ने मुखालफत की है, ये कहा है कि अल्लाह नहीं है, ये कहा है कि हम रसूलों को नऊज़ बिल्लाह नहीं मानते, मुखालफत करने वालों ने कुरान का इनकार कर दिया है, लेकिन दुनिया में किसी भी मजहब का आदमी, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, किसी मजहब का ताल्लुक रखने वाला हो, किसी ने मौत का इनकार नहीं किया, किसी धर्म का हक मानने वाला हो, हर एक ये कहता है कि एक दिन हमें चले जाना है। हाँ, कुछ लोग ये मानते हैं कि मौत के बाद दोबारा हम जो है वो दूसरा जन्म लेंगे, हम दूसरा जन्म नहीं, हमारे यहाँ दूसरी मरतबा जिंदा होना है अल्लाह ताला के यहाँ, हिसाब किताब देना है कब्र में, और ये बड़ा खतरनाक, दोबारा जिंदा होना है, लेकिन इस तरह नहीं कि दूसरा जन्म लेकर हम दुनिया में आए, नहीं, ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि कब्र में हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, सवाल और जवाब दिया जाएगा, और महशर में जिंदा किया जाएगा, और महशर का वो आलम के जिसमें अल्लाह ताला के सामने हिसाब व किताब देना, और फिर उसके बाद हमेशा हमेशा की जिंदगी, जन्नत और जहन्नम का मामला, ये हमारा ईमान है कि आखिरत एक मुस्तकिल दुनिया है और जिसका इंतकाल हो जाता है उसकी कयामत कायम हो जाती है। मन मात फकत कामत कयामत, इसका इंतकाल हो गया उसके कयामत के मराहिल शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इस दुनिया में चंद दिन रहना है, कुछ वक्त गुजारना है, चंद साल रहना है, और पता नहीं कितना वक्त हमें दुनिया में रहना है, इसके हर वक्त हमें मौत की तैयारी में लगे रहना चाहिए, वरना कब्र का मरहला बड़ा खतरनाक मरहला। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत आमिर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मुदब्बिर तरीन सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जलील उल कद्र सहाबी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत आमिर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल होने लगा और उनके घर में उनका बेटा आया, तो बेटे ने अपने बाप के चेहरे पर नजर डाली, अमर इब्दुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर, तो हजरत अमर इब्दुल आस की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बेटे ने पूछा, अतबकी या बता, मेरे अब्बा रो रहे हो, ले अतबकी, अब क्यों रो रहे हो, आप मौत से डर रहे हैं, जवाब दिया कि बेटे मेरी जिंदगी में तीन दौर गुजरे हैं, ये हदीस है मुस्लिम शरीफ की, मेरी जिंदगी में तीन दौर गुजरे हैं। पहला दौर वो जब मैं काफिर था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना मैं गवारा नहीं करता था, मैं आपका दुश्मन था, मुखालिफ था, और मैं इस टोर में था कि मुझे वक्त मिलता तो मैं नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह को खत्म कर देता, दुनिया से कत्ल कर देता। अब्न इब्न अल-आस कहते हैं, अगर उस हालत में मैं मरा होता यकीनन मैं जहन्नम में चला जाता, उसके बाद अल्लाह ने मुझे ईमान की तौफीक अता फरमाई, मैं मुसलमान बन गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक और शहदाई बन गया और हुजूर के साथ रहने लगा, लेकिन हुजूर का डर मुझे इतना लगता था कि कभी नजर भर कर मैं हुजूर को देख नहीं पाया। आज अगर तू मुझसे पूछे कि हुजूर का चेहरा कैसा था तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना डर लगता था हुजूर का। अगर उस दौर में मैं मरा होता मुझे यकीन था कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएंगे, लेकिन हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए और मैं अभी दुनिया में जिंदा हूं। हुजूर के दुनिया से चले जाने के बाद वो अहवाल मेरे ऊपर आए हैं कि डर लगता है कि पता नहीं मेरे साथ आखिरत में क्या मामला होगा। ये सहाबी डर रहे हैं, सहाबी रसूल डर रहे हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होगा।
और हम दिन भर में नमाज नमालूम कितनी नमाजें छोड़ देते हैं, नमालूम कितने लोगों की हमारी जबानों पर गीबतें होती है, और नमालूम कितने बुरे भले जुमले हम बोलते हैं। हमें कभी ख्याल ही नहीं होता है कि कल को अल्लाह के सामने हाजिर होना है, जवाब देना है। अल्लाह ताला ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब दे पाएंगे, ये डर हमें नहीं है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है जिनके बारे में कुरान करीम में, जिन जमात के बारे में कुरान में रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी और ये अल्लाह से राजी, उसके बावजूद वो डर रहे हैं कि कहीं अल्लाह की पकड़ हो गई तो क्या मामला होगा। हजरत आमिर इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे जब मुझे दफन कर दिया जाए तो दफन करके फौरन निकल मत जाना, एक ऊंट ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम करने में जितनी देर लगती है उतनी देर ठहरे रहना, ताकि मुझे अंदर कुछ एहसास हो के बाहर कुछ मेरे लोग खड़े हैं, मुझे उनकर नकीर आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, कुछ मुझे एहसास हो के बाहर कुछ मेरे जान पहचान के लोग खड़े हैं, तो थोड़ी देर वहां ठहरे रहना। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कब्र का मरहला बड़ा कठिन मरहला है, हमें उस दौर से गुजरना है और उनकर नकीर के सवालों के जवाब देना है। मेरे भाइयों, हम जाने वालों से इबरत हासिल करें कि कल को हमें भी जाना है, कल को हमें भी कब्रिस्तान जाया करें, मुर्दों को देखें, पता नहीं जमीन के नीचे बड़े बड़े वो लोग कल जिनके सरों पर ताज सजे कर सजा करते थे, कल किसी के सर पर हुकूमत का ताज सजा करता था, आज वो कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। इसलिए किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक आदमी रास्ता चल रहा था और रास्ता चलते चलते किसी जगह कोई ठोकर लग गई, तो वो ठोकर में कोई मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई थी, उसको ठोकर लग गई, तो खोपड़ी से एक आवाज आई जिसको शायर ने कहा है कि संभल कर चल ए राहिये बेखबर, ए चलने वाले जरा संभल कर चल, तुझे पता है तू किसको लात मारते हुए जा रहा है, संभल कर चल ए राहिये बेखबर, कल हम भी किसी का सरे पर गुरूर थे, हम कभी किसी के सर में थे और हमारे जरिए से वो तकब्बुर करता था, आज तेरी ठोकरों में वो पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, कुछ नहीं रहेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, हम चल बसेंगे और हम कीड़े मकोड़ों का शिकार बन जाएंगे, उनकी खुराक बन जाएगी, हड्डियां जल जाएगी, कल कयामत में दोबारा जिंदा किया जाएगा, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, जवाब देना है। मेरे भाइयों, जाने वालों की अच्छी बातों को याद किया जाए, अच्छी बातों को याद और उससे सबक लिया जाए। हमारे मरहूम ने फुलाबाद बहुत अच्छी थी, फुलाबाद बहुत अच्छी थी, हम भी अपने इस तरह, हमारे जिस भाई का इंतकाल हो गया, हाफिज का इंतकाल हो गया, हमने बहुत करीब से उनको देखा, हमारे पड़ोस में वो आते थे, कई मरतबा हमारे साथ बैठते थे, इल्मी बातें कई मरतबा उनके साथ हमारी हुई, मदरसे से मुतालिक, किताबों से मुतालिक, मैं पूछता था आप क्या पढ़ते हो, किसके पास पढ़ते हो, कौन सी किताब पढ़ते हो, किस किताब में आप, किसने किसने पढ़ा, किससे क्या हासिल किया, वो बहुत अच्छी तरह जवाब देते थे। मैंने उनको जहां तक देखा है वो बहुत खुश अखलाक तालीम, बहुत खुश अखलाक। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस मुझे याद आई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, अच्छे अखलाक अपने अंदर इख्तियार करो। मैंने उस मरहूम में देखा कि वो बहुत सलीका बन, बहुत बाखलाक, और अखलाक की कीमत अल्लाह के नबी की नजरों में कितनी ज्यादा है। मैं आपको अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनाता हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन अस्कल फी मीज़ान अल अब्द यौम अल क़यामत मिन खुलुक हसन। यह हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, कि कल कयामत में जब नेकियों को और बुराइयों को तोड़ा जाएगा तो नेकियों के पलड़े में सबसे ज्यादा वजन अगर किसी चीज का होगा तो हमारे अच्छे अखलाक का होगा। हम अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा करें, अपने पड़ोसियों के साथ हमारा सुलूक अच्छा हो, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारा सुलूक अच्छा हो, अपने आम मुसलमान भाइयों के साथ, बल्कि गैर मुस्लिमीन के साथ भी हमारा सुलूक अच्छा हो, हमारे किसी बात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, अजियत न पहुंचे। और फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके वालिदैन को कि जिन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की थी, उनकी मौसूफ की मरहूम की, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता। पर बच्चों की तरबियत बहुत बुनियादी चीज है, हम बचपन में जैसा उनको बनाएंगे बड़े होकर वो उसी रास्ते पर चलेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप इसका फिक्र करें कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर
ऐसा ना हो कि बचपन ही से हम मोबाइल के हवाले उनको कर दे कि वो देखता रहे और उसी तरीक पर वो चलता रहे, ऐसा ना हो, बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए। मुझे याद आ रहा है मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़े आलिम दीन बल्कि कई सनदों का हिस्सा हजरत रबीअतुर राय अलैहि रहमा गुजरे हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के आलिम, हदीस के इमाम, फिकह के इमाम हजरत रबीअतुर राय मदीना मुनव्वरा में रहा करते। इनके वालिद का नाम है फर्रुख, बेटे का नाम रबीआ, और रबीअतुर राय से पहचाना जाता था। इनके वालिद का नाम फर्रुख मुजाहिद फी सबीलिल्लाह शख्स। फर्रुख ने एक मरतबा अपनी बीवी से कहा, बीवी हमल की हालत में थी, पेट में बच्चा था, और फर्रुख जा रहे थे जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जा रहे थे। फर्रुख ने जाते जाते अपनी बीवी को कहा, एक लंबी रकम दी और कहा, ये मैं तुझे देकर जाता हूं, ये पैसे, ये अशरफिया, ये दीनार, ये दिरहम मैं तुझे देकर जा रहा हूं, अब पता नहीं मैं लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा, और लौटा तो कब लौटूंगा मुझे पता नहीं, पैदा होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। ये कहकर वो चले गए और जिहाद फी सबीलिल्लाह में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। एक साल, दो साल, तीन साल, चार, पांच, आठ, दस नहीं, 27 साल के बाद वो दोबारा मदीने में है। फर्रुख 27 अपनी बीवी को इस हाल में छोड़कर गए थे कि पेट में बच्चा, वो बच्चा पैदा हुआ और मां ने नाम रखा रबीआ, रबीअतुर राय। और बाप 27 साल के बाद आ रहा है, मदीने का नक्शा बदल चुका था, बाप ने मस्जिद नबवी में नमाज अदा की, शाम का वक्त था, फर्रुख ने नमाज अदा की, गालिबन मगरिब की नमाज या इशा की नमाज, और तलाश किया कि मेरा घर किधर होगा। 27 साल गुजर चुके थे, मदीने का नक्शा बदल चुका था, तो अंदाज लगाया कि मस्जिद से मैं निकलता था तो ऐसे गुजरता था, फुला जगह पहुंचता था, वहां मेरा मकान होता था। तो तलाश करते 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 अपने घर की चौखट पर पहुंच गया, अंदाज लगाया ये मेरा ही घर है, और दस्तक देकर घर में चले गए। घर में एक नौजवान आदमी, वो नौजवान इन आने वाले को कहते, ए बड़े भैया क्यों आ गए घर में, तुम किसके घर में घुस गए, तो बगैर इजाजत के घर में आ गए। बड़े मियां कहते हैं, तू कौन है, तू मेरे घर में बैठा है, ये मेरा घर है। पीछे औरत है, वो सुन रही है कि बाप, अरे बेटा और कोई किसी के साथ झगड़ रहा है, आवाज सुना तो पहचाना ये मेरा शौहर है जो 27 साल पहले गया था, अब लौट कर आ रहा है, और बेटा तो उस वक्त था नहीं, उनके जाने के बाद पैदा हुआ, वो अपने बाप को पहचानता नहीं और बाप बेटे को नहीं पहचान रहा, और दोनों एक दूसरे को कह रहे तू कौन है, वो इसको कह रहे तू कौन है। पीछे से मां ने आवाज दी कि बेटा ये तेरा बाप था जो तेरा बाप है जो 27 साल पहले जिहाद में गया। तो अब दोनों बाप बेटे एक दूसरे को गले लग गए और गले लगकर रोने लगे कि अब्बाजान माफ करना, मैं पहचान नहीं पाया कि आप मेरे अब्बा हैं, आप इस घर के मालिक हैं। और बेटा कहने लगा, बाप कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, मैंने भी तुझे नहीं पहचाना कि तू मेरा बेटा है। ये कहकर बात खत्म हो गई, रात हो गई, और अब 27 साल के बाद मियां बीवी मिल रहे हैं, रात में बैठे हैं, बड़ी लंबी दास्तान छेड़ दी है, और रात गुजरती गई, गुजरती गई, फजर की अजान का वक्त हो गया, और फर्रुख ने अपनी बीवी से पूछा कि ए मेरी जौजा, ए मेरी बीवी, मैं तुझे एक लंबी रकम देकर गया था 27 साल पहले, तूने उसका क्या किया, मुझे कुछ हिसाब दे सकती है तू? तो बीवी ने कहा, बिल्कुल आपको हिसाब दे देंगे, आप नमाज फजर अदा करके आओ। फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए हजरत फर्रुख, और फजर की नमाज का जब सलाम फिरा, कौन सी जगह, मदीने में, और मदीने की मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए गए, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद देख रहे हैं फर्रुख के तख्त लगाया गया मस्जिद नबवी के अंदर, और एक इमामा से बांधा हुआ आदमी, जो रोशन चेहरा आदमी था, फर्रुख दूर बैठे हुए थे, वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, बड़ा खूबसूरत आदमी, इमामा बांधा हुआ और जुब्बा कुब्बा पहना हुआ उस तख्त के ऊपर बैठा है, और हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं और उससे हदीस पढ़ रहे हैं। तो फर्रुख ने पूछा किसी बाजू में बैठे हुए से कि ये कौन आदमी जो लोगों को हदीस सिखा रहा है।
तो बाजू वाले आदमी ने कहा तुम नहीं पहचानते, ये रबियातुर राय है, इसका बाप 27 साल से जिहाद में गया है, उसको भी नहीं पता कि किसको मैं कह रहा हूं, इसका बाप 27 साल से जिहाद में गया है, वो अब तक लौटा नहीं, पर रुख ने समझ लिया ये मेरा बेटा है, अल्लाह ने इसको इतनी बड़ी शान दी कि आज मस्जिद नबवी में वो हदीस शरीफ का सबक दे रहा है, तख्त पर बैठा हुआ है, हजारों की तादाद में उससे लोग हदीस हासिल कर रहे हैं। अब जब हदीस का सबक खत्म हुआ तो आंखों में आंसू थे, पर रुख के अपने घर पर गए और घर पर जाकर बीवी को कहा मैंने जो तुझे पैसे दिए थे अब मुझे उसका हिसाब नहीं चाहिए, मैंने गारंटी के साथ अपने जमीर को यह आवाज दी कि मैंने तुझे जो पैसे दिए थे उन पैसों से तूने मेरे बेटे की तरबियत की है। बीवी ने कहा आपके बेटे को हदीस पढ़ दी थी, जहां जहां उसको जाना था मैंने पहुंचाया और उसको कहा कि जा इल्म हासिल कर, इल्म दीन हासिल कर, वो जाता रहा इल्म दीन हासिल करता रहा, आज अल्लाह ने उसको इतना बड़ा मकाम दिया। मेरे भाइयों मैं यह अर्ज करता हूँ कि अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन लॉयर बनाओ, डॉक्टर बनाओ और दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री दो, लेकिन अल्लाह के वास्ते उनको दीन का इल्म भी दो, दीन से वाबस्ता रखो, उनको कुरान का हाफिज बनाओ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तो हाफिज साहब के वालिदैन को कि कल कयामत में इनको पता, आज यकीनन तकलीफ है कि इतना अच्छा बच्चा दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन इस तकलीफ का बदावा और इस सब्र का नतीजा कल कयामत में उस वक्त मिलेगा जब हाफिज साहब अपने माँ बाप को तलाश करके उनके सरों पर जब ताज पहना रहे होंगे, वो ताज कोई मामूली नहीं है, उस ताज में छुपे हुए एक हीरे की रोशनी उतनी होगी जितने सूरज की होती है। ऐसा ताज जब इनके माँ बाप को पहनाया जाएगा उस वक्त पता चलेगा कि अल्लाह ने इतनी कीमती नेमत हमें दुनिया में दी थी और उसको जल्दी बुला लिया था, वो हाफिज साहब का दुनिया से जाना ये हमारे और आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हो कि कल को जब तुम हमारे पास आओगे अपने माँ बाप को बोया ये कह रहे हैं कल को हमारे पास जब आप आओगे हम आपका इस्तकबाल करेंगे, हम आपको बुलाएंगे अपने पास, हम आपके सरों पर ताज रखेंगे। मेरे भाइयों ये वाकई तकलीफ की बात है, तकलीफ पर सब्र करने से सवाब मिलता है, कितनी तक तकलीफ छोटी हो या बड़ी सब्र का सवाब मिलता है। हदीस पाक में है एक कांटा चुभ जाए किसी को, पैर में कांटा लग जाए उस पर आदमी सब्र करे उस पर भी अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। बल्कि मेरे उस्ताद हजरत मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ के सबक में कहा करते थे कि हम लोग घड़ी जो पहनते हैं वो वजू करते वक्त निकाल देते हैं, जेब में रख देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं उसको पहनना, तो कभी ऐसा होता है कि आधे घंटे एक घंटे के बाद याद आता है, टाइम देखना होता है तो उस जेब में हाथ पड़ जाता है जहां हमने घड़ी रखी नहीं, तो एक सेकंड के लिए तकलीफ होती है कि अच्छा मेरी घड़ी कहाँ चली गई, फौरन उस जेब में हम हाथ डालते हैं जहां घड़ी है और मिल जाती है। इस एक सेकंड में घड़ी तलाश करने में जो तकलीफ हुई अल्लाह उस पर भी सवाब अता फरमाएंगे। सब्र होना चाहिए, सब्र पर जन्नत, सब्र पर जन्नत का वादा, यही वजह है कि हदीस पाक में सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि जब मैं किसी की दो आंखें ले लेता हूं करी बताए जो आंखें मैं ले लेता हूं और वो दुनिया अंधेरी हो जाती है उसके सामने, और वो मेरा बंदा अगर मेरे उस आंखों के ले लेने पर सब्र करता है तो मेरे पास सिवाय जन्नत के और कोई ठिकाना उसका नहीं, मैं सीधा उसको जन्नत अता करूंगा। तो सब्र करने पर अल्लाह यकीनन जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें मौत के बाद की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। हमें दुनिया छोड़कर जाना है, कोई दुनिया में हमेशा रहने वाला नहीं और कोई कुछ लेकर भी नहीं जाने वाला है, सब यहाँ पड़ा रहेगा, जो कुछ साथ आने वाला है एक तो कफन हमारे साथ आएगा और कफन के साथ एक चीज और कब्र में उतरती है जो नजर नहीं आती है, वो कौन सी चीज, वो हमारे आमाल, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ज़कात, हमारे सदक़ात, हमारे लोगों के साथ किए हुए अच्छे मामला, ये कब्र में साथ में आता है।
इसलिए मेरे भाइयों मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी की जाए। अल्लाह हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए, जमा होने को कबूल फरमाए, दीन की बातें सुनी, इस पर जो सवाब मिला अल्लाह ताला हमारे मरहूम को इस सवाब को पहुंचा दे। और अल्लाह ताला हमें जिंदगी अच्छी तरह गुजारने की, लोगों के हकूक अदा करने की तौफीक के साथ गुजारने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। ये दो चार बातें मैंने इस वक्त आपके सामने जिक्र कर दी जो जहन में आती गई, अल्लाह अमल करने वाला बनाए। ये दुआ अज़मत वाज़ जुमला जहां अमीन बात वो आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।